नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन अकेडमी में समझ की सीढ़ी प्लेलिस्ट में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक ऐसे लोकप्रिय टॉपिक को लेकर के आए हैं जो हम सभी लोगों के घरों में यूज होती है और हम उसकी विशेषताओं को पूरी तरीके से नहीं जानते, उसकी कार्यप्रणाली को नहीं जानते हैं। तो हम आज चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक को, और उस टॉपिक का नाम है MCB। सामान्यतः इसे फ्यूज के नाम से भी जाना जाता है, फ्यूज के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह फ्यूज से एक स्टैंडर्ड लेवल की चीज होती है, फ्यूज से अंतर होता है, फ्यूज से अच्छी तरीके से काम करता है। और हम इसे देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। तो हमारे घरों में बिजली के उपकरणों को प्रयोग किया जाता है, जिससे हमारी दिनचर्या और जीवन बहुत ही आसान होता है, हमारे काम को सरल बनाता है। लेकिन अगर इसमें कोई खराबी उत्पन्न हो जाता है, या विद्युत प्रवाह अधिक हो जाता है, या कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उस स्थिति में जो भी डिवाइस यूज होता है और इन सभी डिवाइस को सुरक्षा प्रदान करता है, उसे MCB के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि MCB किस तरीके से काम करता है। तो MCB, पहली बात तो इसका हम पूरा नाम जानने का प्रयास करेंगे। इसे जो है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट और ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के नाम से इसे जाना जाता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के नाम से इसे जाना जाता है। बेसिकली इसकी जो कार्यप्रणाली है वो ये है कि वो बाई मेटल के एक स्ट्रिप इसमें यूज होता है, और उस स्ट्रिप में दो धातुएं प्रयोग में आती हैं, और एक धातु ऐसी होती है जिसमें विद्युत धारा बढ़ने के बाद वो फैलती है और दूसरी नहीं फैलती है। तो जब कहीं पर शॉर्ट सर्किट होता है, ये धारा प्रवाह बढ़ जाता है, तो वैसी स्थिति में वहां पर एक मेटल जो ज्यादा तेजी से जो फैलती है वो दूसरे वाले धातु के साथ में जो है लगी होती है, इसलिए वो मुड़ जाती है। और इस तरीके से मुड़ने के साथ, जैसे ये दो धातुओं की एक स्ट्रिप लगी होती है जिसे बाई मेटल कहा जाता है, और एक धातु जो फैलती है तो इस तरीके का इस आकार में वो बढ़ती है। और यहां पर एक लगा होता है ट्रिपिंग लीवर। तो जब ये ज्यादा तेजी से हीट होता है तो इसका मेटल जो है वो हीट होने के कारण से फैलता है और ट्रिपिंग लीवर को जो है प्रभावित करता है, जिससे उस क्षेत्र में जहां से MCB के थ्रू लाइट का मतलब आपूर्ति हो रही है वो ट्रिप हो जाती है, जिससे वहां विद्युत धारा अबाधित हो जाती है और हमारे उपकरण खराब होने से बच जाते हैं। तो इस तरीके से ये बाई मेटल और उसमें से एक का धारा प्रवाह बढ़ने के बाद जो फैलने के सिद्धांत पर काम करता है। बेसिकली ये फ्यूज के स्थान पर वर्तमान समय में यूज किया जा रहा है, और इसकी उपयोगिता यह है कि यह बहुत ही प्रभावी ढंग से काम करता है, इजीली ये काम करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्यूज एक बार अगर खराब हो जाता है तो हमें उसे बदलना पड़ता है, उसके स्थान पर नए फ्यूज का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन अगर MCB ट्रिप होती है तो हम पुनः उसे सही कर सकते हैं, और जिन भी धातुओं में, जिन भी डिवाइसेस में कोई गड़बड़ी होती है, उसे सही करके पुनः MCB को रिस्टार्ट किया जा सकता है, उसे दोबारा यूज किया जा सकता है, बार बार यूज किया जा सकता है। तो इस तरीके से आज की इस संक्षिप्त वीडियो में हम लोगों ने MCB के बारे में जाना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के नाम से इसे जाना जाता है, और ये जो है बाई मेटल के स्ट्रिप पर काम करती है, जहां पर धारा प्रवाह बढ़ने के बाद जो है वो ट्रिपिंग लीवर को प्रभावित करती है और धारा वहां पे बाधित हो जाता है। और ये फ्यूज की अपेक्षा काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी रिस्पांस करता है, और अगर ये ट्रिप भी हो जाता है तो पुनः हम दोबारा इसे प्रयोग में ला सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये हमारे आसपास हमारे घरों में प्रयोग होने वाले उपकरण को बचाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली MCB पर हम लोगों ने आज का चर्चा किया। और पुनः इसी तरीके से मैं एक अगले क्लासेस में नए टॉपिक पर आप लोगों से चर्चा करेंगे, नई जानकारी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए, अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कई बार मित्रों ने यह भी बताया कि इस जानकारी या इस टॉपिक के बारे में मुझे जानकारी नहीं हुई। तो निश्चित तौर पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को एक बार टैप कर दीजिए, तो आपको सारे वीडियो ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में इस टॉपिक के साथ ही नमस्कार।